अल्लाह फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक सब गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पी बी टोकन के बारे में जिसके लिए अब तक सभी स्टेप सी ने मार्केट में लिए सी ने दोस्तों हर सूरत अपनी एक्सचेंज को मजबूत करने के लिए एफ के जो प्रपोज़ल को उसने डिनयल किया है इसकी जो रियल स्टोरी है वो यहाँ पर ओपन हो रही है मार्केट में उसके ऊपर हम बात करेंगे बायनास का दोस्तों ये नेटिव टोकन बी एन कहाँ तक जा सकता है इस पर हम बात करेंगे और साथ आपको आगाही देंगे कि ऐसे कौन से कॉइन हैं जिनके ऊपर बायनास इस वक्त सर पर हाथ रख कर बैठा है और वो भी यहाँ पर पंख हो सकते हैं एफ के साथ दोस्तों अब क्या होने जा रहा है इसकी भी मैं थोड़ी सी हाईलाइट आपसे शेयर करूंगा सो so गाइस आपने क्या करना है वीडियो को करना है लाइक चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ-साथ ऑल साथ, के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा गाइस बी टोकन को हम बिल्कुल बाद में डिस्कस करेंगे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सीजी ने जो प्रपोज़ल डिनाई किया है उसकी रीज़न ये थी कि वो एफटीएक्स के जितने भी मुतासरीन थे जो भी विक्टम पीपल्स थे उनका बलबा वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था उसका यह मानना था और वो बार बार उन्हें आकर एक ही बात कर रहा है जी कि अगर मैं इसको उठा लेता अपनी ओनरशिप में ले लेता इतनी बड़ी ऑफ़र एस ने मार्केट में दी कि आज तक शायद तारीख में नहीं मिलती कि आप आकर हमारी एक्सचेंज को टेक ओवर कर लें गाइस एक चलती फिरती कामयाब चीज एक कामयाब कंपनी फैक्ट्री अगर आप किसी को देते हैं तो बात समझ में आती है लेकिन एक ऐसी कंपनी जो पहले से ही कर्ज़दार हो चुकी है उसे अचानक ओपन किया जाता है तो फिर उसके बारे में कितने नुकसान अवाम के सी सी को खुद बनने पड़ने थे ये कोई नहीं जानता उसने एक टाइम लिया बारह से पंद्रह घंटे लिए और उसके बाद उसने एक फ़ैसला सुना दिया कि वो इस वक्त एफ़ टी एक्स को अपनाने नहीं जा रहा पहले उसकी जो स्टेटमेंट थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और एंड पे उसने किसको सेव किया बी एन बी को अच्छा बी एन बी को सेव उसने कैसे किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस दरमियान जो एस बी एफ था यानि कि फ्रेडमैन था वो सोलाना सेल करने में लगा था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीसी ए की टोकन बेचने में लगा था वो था एफ टी एक्स का टोकन एफ टी टी उसने एफ टी टी सारा सेल करके उसने किसे स्ट्रॉन्ग किया है बी एन बी को दोस्तों बी एन बी को वो अब कहाँ तक लेकर जाना चाहता है ये तो मैं आगे चल करके आपको बताऊँगा यहाँ पर एक अहम मोड़ जन्म लेता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस आप जिस मर्जी टोकन में ट्रेड करें लेकिन याद रखिएगा कि क्रिप्टो की मार्केट में ऐसे हादसा हमें रूटीन में देखने को मिलने लग गए हैं जैसे कि हमने तकरीबन पिछले पाँच साल क्रिप्टो करियर में सात ऐसे हादसा देखे हैं लेकिन साल 2022 एक पहला साल है जिसमें दो हादसा एक देखने को मिले इवन क्या आप शायद वाकिफ नहीं हैं दूसरी जगह सेल्स नेटवर्क पर भी एक ये मसला हो चुका है लेकिन वो बात अलग है कि उसकी उतनी मार्केट वैल्यू नहीं थी जितनी यहाँ पर एफ की हो चुकी थी अभी भी मौजूदा ये हमारी वीडियो के दरमियान एफ एक्सचेंज मौजूदा इस वक्त टूर्नामेंट जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर है क्रिकेट का कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं होता दोस्तों जिसको एफ और जो टोकन है इसकी जो एक्सचेंज है एफ टी एक्स उसे स्पॉन्सर ना करती हो लेकिन यहां पर क्योंकि अब इसका इसके प्राइस अभी तेजी से गिर रहे हैं लेकिन फिर भी इसके बावजूद सोलाना को कई ऐसे वेबसाइट्स हैं जो प्रमोट कर रही हैं कि ये तेज़ी से उठने वाला टोकन होगा हैर गाइस ये एकदहदा बात है लिहाजा यहाँ पर अजाइम यानि कि प्लानिंग सी की ओपन हो चुकी है कि वो बी एन बी को मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग करना चाहता है लेकिन इस बात को जहन में रखिएगा कि कल को अब वो कल कब आता है छः महीने को साल को दो साल बाद तीन साल बाद कि ये हालत कल को बायनास की भी हो सकती है ये बात आप कभी भी जेन से मत निकालिएगा कि आज आपको अगर बी एक बड़ी ट्रेड देने जा रहा है लेकिन कल को ये हालत जो हमने एफ़ की देखी बी की भी हो सकती है ये मैं आपको डरा नहीं रहा लेकिन क्रिप्टो की दुनिया की हकीकत बता रहा हूँ सो गाइज आप न्यूज़ की तरफ चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मौजूदा हालात में सी ने अपने एक वॉलेट की प्रमोशन स्टार्ट कर दी है अब गाइज उसकी ये प्रमोशन साबित करती है कि उसकी प्लानिंग क्या थी यहाँ पर वो अपनी एक दूसरी प्रोडक्ट बेचने में भी लग गया है अपना वॉलेट जो बता रहा है जी कि बायनास टॉप सेफूफ टू वन बिलियन यू एस डी आफ्टर बिट कोइन वर्टेल, वर्टेलिटी यानी कि उसके कहने का मकसद है भी कि इधर से अगर डबर रोटी मैं दूंगा तो मक्खन भी आप मुझसे ही खरीदेंगे उस पर लगाने के लिए टोटली अब इस वक्त जो सीसी है वो अपनी मुसलसल प्रमोशन कर रहा है इस वक्त वो समझ लें कि ज़मीन के ऊपर समझ लें कि अजीब ही अपनी सूरत सूरतयाल बनाकर बैठा है जमीन पर मान लें मान लें कि खुदा बन के फिरने लग गया है सिर्फ इसी एफ टी एक्स के अंजाम के बाद आपने देखा होगा कि एक इमेज भी सुबह से मार्केट के अंदर गर्दिश कर रहा है लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि जब वो अपनी प्रोडक्ट को अपनी एक्सचेंज को प्रमोट करना शुरू हो गया और एफ़ टी एक्स को जबकि उसने पहले एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी थी कि हम जो है अफलाई कामों की तरफ जाना चाहते हैं एक दूसरे को टोंट नहीं करना चाहते लेकिन इसके बाद आप खुद सोचें दुनियावी फितरत है इंसानी फितरत है कि हर इंसान अपने राइवल की बर्बादी से खुश होता है ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया की नंबर वन एक्सचेंज एक टाइम पर रहने वाली एफ़ टी एक्स जो तीसरे नंबर पर आ चुकी थी वो बैंक स्क्रिप्ट हो गई और उसके बाद कोई दूसरा उसकी जगह लेने के लिए यहां पर बेताब ना हो सो गाइस यहां पर हमें सोचना हो। अब गाइस यहां पर बीएनपी को स्ट्रांग करने की प्लानिंग की जा रही है बीएनपी को रिसेंटली आपने देखा कि जब सीजी ने कोलैबोरेशन के लिए इनकार भी नहीं किया हाँ भी नहीं किया तो बीएनपी ने सबसे बड़ा हाई लगा दिया 400 डॉलर का हाई 45 मिनट तक बीएनबी 400 डॉलर तक खड़ा रहा अब यहाँ पर इन्वेस्टर के अंदर ग्रीड पैदा की गई कि देखो जी बी एन बी कहाँ तक जा सकता है पास की अगर बात करें तो बी एन बी छो साढ़े छः सौ डॉलर का हाई लगा कर आया है लेकिन एक लंबे अरसे से ये टू एटी और टू टू ट्वेंटी के दरमियान भी ट्रेड हो रहा है क्योंकि बी टी सी के प्राइस डाउन थे अब गाइस यहाँ से उस तरह थोड़ा सा अपना जो दिमाग की बत्ती है वो ऑन कर लीजिएगा रिसेंटली मार्केट ने पंद्रह हज़ार पाँच सौ तक का लो लगाया है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का लो और दो तक का लो लगा कर आया है बी अब बी जितना भी लो लगा रहा है बी उसको फौरन रिकवर कर रहा है जितना भी लो लगाता है रिकवर करता है इस वक्त फिलहाल मौजूदा हालात में BNB तेज तरीन रिकवर करने वाला कॉइन है रिकवरी में मैं पहले भी बता चुका हूँ दस बार फिर मरतूब बता रहा हूँ आपको कि रिकवरी में मैटिक सी एच जेड बी सी एच डबल ए वी ई ये तेज तेजी से रिकवर करने वाले क्वाइन बन चुके हैं और एक और क्वाइन दोस्तों लिंक ये चार पांच क्वाइन इस वक्त मार्केट में जितनी जल्दी नीचे जा रहे हैं उतनी ही जल्दी ऊपर आ रहे हैं जैसे आपने देखा होगा कि ट्रम्पलिन पे बच्चे उछल कूद करते हैं जितना नीचे जाते हैं उतनी तेजी से ऊपर आते हैं सो इस वक्त एक ट्रम्पलिन बन गई है मार्केट और उस बच्चे की मिसाल दूंगा मैं इन क्वाइंस की ये क्वाइन उस ट्रम्पलिन पे उछल रहे हैं और ये जो प्राइस हैं क्रिप्टो के वो इन पांच से छह क्रिप्टो के तेजी से रिवर्स कर रहे हैं यहां पर की अगर बात करें तो वो भी यहां पर किसी ना किसी हद तक ट्रेड दे रहा है और इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम भी स्लोली लेकिन वर्क जरूर कर रहा है एक चांस मिल रहा है दुनिया को लो पर बाय करने का लेकिन हम इसे आखिरी लो नहीं कह सकते याद रखिएगा कोई एक शख्स अगर आपको कहे कि ये आखिरी लो है तो ये बेवकूफी होगी क्योंकि बी अगर टू सिक्सटी जा सकता है तो इसकी लास्ट अगर मैं थ्री मंथ की सपोर्ट ओपन करूं आपके सामने तो आप हैरान हो जाएंगे तो बढ़ते हैं सपोर्ट की तरफ सो so यहाँ पर मैंने बी एन बी की एक हिस्ट्री ओपन की है जो मखसूस एक टाइम को इंडिकेट कर रही है आप देख सकते हैं कि बी एन बी अपना लास्ट अगर हमने देखा हो कि सत्रह हज़ार पाँच सौ पे जब आज से तीन माह पहले मार्केट गई थी तो बी एन बी वन एटी तक का लो लगा कर आया था आप देख सकते हैं ये इसकी लास्ट सपोर्ट बन रही है जो सिर्फ काबिल दीद है सिर्फ यहाँ तक ये देखें ये इसकी लास्ट सपोर्ट है ये पिछले एरिए को आप मत देखें ये इसका पास्ट है ये इसका हाल है जो अभी समझ लें कि तीन महीने पहले गुजरा है लास्ट सपोर्ट दोस्तों आप इसकी देख सकते हैं कहाँ बनी दो सौ डॉलर पे और शेडो कहाँ आ रहा है वन एटी पे सो गाइस बीएनबी अभी दो सौ सतहत्तर डॉलर पे क्रैश देखकर आपको लगता होगा कि ये काफ़ी लो है तो अगर आप क्योंकि यहाँ पर आप अपनी सोच में बिल्कुल आज़ाद हैं मार्केट ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कोई पोंजी स्कीम हो जैसे कोई फ्रॉड की मार्केट हो काइंड ऑफ दोस्तों का अब ये मानना भी है कि क्रिप्टो इज़ अ कंप्लीटली पौजी स्कीम तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को जेन में रखते हुए आप यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट देखें वो आखिरी सपोर्ट बन रही है वन एटी डॉलर की एक की मेरे नज़दीक है दोस्तों ये बन रही है 161 की 161 की 161 और 180 161 एंड 180 इज़ द लास्ट सपोर्ट यहां तक बीएनबी अगर लो लगाता है तो उसके लिए बी का पंद्रह हजार पांच सौ से नीचे जाना जरूरी होगा ये उधर दूसरी तरफ बी की सपोर्ट है पंद्रह हजार पांच सौ फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दूसरी तरफ बी की सपोर्ट क्या है मैं बता चुका हूं अब इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा वहां पर अगर दो हजार पंद्रह बी बीटीसी क्रैश करता है तो बी एन बी आपको वन का लो दिखा देगा तो क्या कर सकते हैं आप करंट प्राइस पर दोस्तों एक एंट्री तो करनी पड़ती है लाजम करनी पड़ती है अगर आप नहीं करना चाहते इट्स गुड आपके एनालिसिस ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं उसके बाद सेकेंड एंट्री आपकी दो पे और और थर्ड एंट्री उसके लास्ट क्रैश पे जो मेरे नज़दीक बनता है दोस्तों 161 थोड़ी देर के लिए अगर हम इस वक्त मार्केट के जो बने हुए सपोर्ट लेवल को फॉलो कर लें तो वो बन रहा है दोस्तों वन एटी तो यहाँ पर बी को स्ट्रोंग तो करना है इस बंदे ने सी इस वक्त सारी तैयारी इसके लिए कर रहा है लेकिन याद रखिएगा कि जो आज अंजाम एफ़ का हुआ है वो बी का भी किसी दौर में होगा वो दौर कब आएगा ये कोई नहीं जानता लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ये बात आपको कोई भी शख्स आगाही के तौर पे नहीं बताएगा कि इट्स हैपन एनी कॉइन ये किसी भी कॉइन के साथ हो सकता है चाहे वो यूनिस्वैप हो चाहे वो यहाँ पर लिंक कॉइन हो ये क्वाइन दोस्तों उतनी देर तक चमक रही हैं जब तक इनके ओनर को कमाई आ रही है इन्होंने कहाँ से पैसा उठाकर मार्केट में लगाया होता है ये बात कोई नहीं जानता लिहाजा बी को मैक्सिमम बूस्ट करने की तैयारी की जा रही है ये बात में रखिएगा एफ़ टी एक्स एक्सचेंज के आफ्टर शॉक के बाद और सी पी आई रिपोर्ट के बाद बी एन बी की दोस्तों जो सिचुएशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद होगी क्योंकि सीजेड जो प्लानिंग कर रहा है वो किसी हद तक यहाँ पर हमें शो होती दिखाई दे रही है आप ख़ुद से भी इस मार्केट के ऊपर वर्क कीजिएगा मेरी इस वीडियो पर इंफॉर्मेशन पर कोई भी अमल करने से पहले आपने ख़ुद भी मार्केट में जा के वर्क करना है अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़